अहले हदीस ने क्या दुश्मनी मोल ली किसी से, या हर इस्लाही तहरीक में जो भी किसी भी तरह की इस्लाही, तालीमी तहरीक हो, सियासी तहरीक हो, मुआशरती तहरीक हो, उसमें पार्टिसिपेट किया अहले हदीस ने? अहले हदीस ने अगर उनका हिस्सा ना होता तो वो तहरीकें कभी कामयाब नहीं हो सकती थी। आपको मैं तारीखी तौर पर मैं बताता हूँ, सन 1311 हिजरी मुताबिक 1894 ईस्वी में नदवतुल उलमा की तहरीक उठी थी। नदवतुल उलमा जिसका बहुत बड़ा इदारा लखनऊ के अंदर दारुल उलूम, और उसके जो बुनियादी 6 आदमी जिन्होंने उस तहरीक की दावत दी थी उसमें मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी थे। कानपुर में पहला इजलास हुआ था मौसफ फैजाम के अंदर, उसमें 6 आदमी मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी जो अहले हदीस के बड़े मशहूर आलिम थे वो थे शामिल। इस तहरीक का मकसद क्या था कि तालीमी इसलाह की जाए, मदारिस में जो निज़ाम तालीम है जिससे सही तरीके से ना अरबी पढ़ते हैं लोग, ना इस्लामी उलूम से वाकिफ़ होते हैं, और फारिग होने के बाद भी दर बदर ठोकरे खाते फिरते हैं, तो उन उसमें निज़ाम तालीम की इसलाह की जाए। अरबी ज़बान सीखते नहीं हैं सही तरीके से, आज तक बहुत से मदारिस में ये सूरत हाल है, 8 साल 10 साल आप पढ़ें और वहाँ से फारिग होने के बाद आपको अरबी ना लिखना आएगा ना बोलना आएगा ना पढ़ना है, तो उसकी इसलाह कैसे की जाए? तो ये एक ऐसी बेहतरीन कोशिश थी कि उसमें अहले हदीस ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। बड़े आप पुरानी रुदादों में आप देखें मौलाना इब्राहिम आरवी, मौलाना अब्दुल अजीज रहीमाबादी, मौलाना अब्दुल्ला गाजीपुरी, सबकी तकरीरें महफूज हैं रुदाद में जो जलसे हुआ करते थे, तो उनकी मुखालफत नहीं की बल्कि उसमें मजीद हिस्सा लिया और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की। यह अलग बात है कि बाद में वो धीरे 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 सिमटते वो एक खास मकते फिक्र का हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन अब भी बहुत से तलबा वहाँ अहले हदीस पढ़ते हैं और बहुत से अहले हदीस असातिज़ा भी पढ़ाते हैं। और अहले हदीस से दुश्मनी दरअसल नदवतुल उलमा का मौक़िफ होना ही नहीं चाहिए, और अगर किसी उस्ताद या किसी शख्स की तरफ से इस तरह की बातें हुई हैं तो ये दुरुस्त नहीं है, उनके अपने मनहज के ख़िलाफ़ है। खुद मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह वो बराबर एतराफ़ करते थे अहले हदीस का, उन्होंने अपनी किताबों में बाकायदा उनका जिक्र किया है, और उनके जो इदारों में वो गए और तारीफ़ की है कि अहले हदीस के क्या काम है ये नदवतुल उलमा का। एक जमात और कायम हुई सियासी तौर पर मुसलमान उलमा का प्लेटफॉर्म जमीयतुल उलमा, जिसका नाम सुनते ही हम समझते हैं कि एक मखसूस मकतब फिक्र की जमात है। आपको मैं बताऊं कि ये सन 1919 में कायम हुई है जमात, मौलाना मोहम्मदुल हसन देवबंदी उनके सदर थे, मौलाना सलाना अमरसरी कासिमी हैं दारुल उलूम देवबंद के फारिग हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, वो भी उसके मुअस्सिसीन में से जमीयतुल उलमा, और एक अरसे तक बहुत से अहले हदीस उलमा उसमें शामिल रहे और उसकी सदारत की जमीयतुल उलमा की। उसमें आखिरी आलिम जो थे मौलाना अब्दुल वहाब आरवी उसके सदर थे, जिन लोगों को हम लोगों ने देखा भी। तो ये सियासी तौर पर मुसलमानों की एक आवाज़ होनी चाहिए, उलमाए किराम का एक मुत्तहिदा मौक़िफ़ होना चाहिए, जमीयतुल उलमा कायम करने वालों में अहले हदीस शामिल थे। जमात इस्लामी की मिसाल लीजिए, सन 1941 में मौलाना मौदूदी ने दावत दी कि दीन की दावत का काम मुत्तहिदा तौर पर करने के लिए हम किस तरह से सारे उलमा को इकट्ठा करें, और बजाय कि हम फ़िक़्ही इख्तिलाफ़ात में मुबतला हों दीन की दावत का असल काम हम करें। चुनांचे उन्होंने जिन लोगों को बुलाया सन 1941 में, उसकी रिपोर्ट में आप देखिए मौलाना ताला ने भोजानी, मोहम्मद इसाक भट्टी और बहुत से उलमा उसमें शरीक हुए बाकायदा। यह अलग बात है कि बाद में लोगों को इख्तलाफ हुआ उसके मनहज से, बहुत से लोग बाद में उलमाए किराम शामिल हुए, मौलाना अब्दुल गफ्फार हसन रहमानी और मौलाना मसूद आलम नदवी सब अहले हदीस उलमा उसमें शामिल रहे, और अभी तक बहुत सी तहरीरें मोहम्मद आसिम हद्दाद वगैरह सब अहले हदीस उलमा की शाये करते हैं जमात इस्लामी वाले। तो ये अहले हदीस ने उसमें भी हिस्सा लिया, और जिन लोगों को इख्तलाफ हुआ किसी पॉलिसी की वजह से या कोई बात हुई खुश उसलूबी के साथ उससे अलग भी हो गए, तो उसकी मुखालफत तो दुश्मनी नहीं की उन्होंने शुरू से, जैसा कि समझा जाता है और समझाया जाता है। तबलीगी जमात 1927 में तकरीबन शुरू हुई मौलाना मोहम्मद इलियास साहब ने, तकरीबन हरियाणा के अंदर और दूसरे पिछड़े इलाकों में जहाँ पर दीन की कुछ समझ नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था, और एक काफिर एक मुसलमान के दरमियान कोई तमीज़ नहीं थी, उसमें शरीक हुए। उसमें उस वक्त जो उन्होंने तहरीक चलाई उसमें भी बहुत से अहले हदीस उलमा शामिल हुए, और वो तफरीक करते भी नहीं थे, उनका मकसद सिर्फ ये था कि सारे उलमा जो हैं तबलीग और दावत का काम करें, सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए जो मदरसे में बैठे हुए हैं और इससे इस्लाह का काम सही तरीके से नहीं हो रहा वो काम करें। चुनांचे उनके साथ बहुत से अहले अभी जाइए आप इंग्लैंड चले जाइए या हिंदुस्तान में देखिए पाकिस्तान वगैरह में बहुत से लोग अहले हदीस उसमें शामिल थे और रहे। ये अलग बात है कि जब उनको मुख्तलिफ जगहों पर जाने और उनके साथ घूमने का मौका मिला, अब वो जब किसी तरह का कोई सवाल करते हैं, कुछ पूछते हैं, कोई इश्काल पेश आता है तो वो उनको पसंद नहीं करते हैं उनके उलमा, और फिर धीरे 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 इन लोगों की रहनुमाई हो जाती है, कुरान हदीस की तरफ पढ़ लेते हैं तो हकीकत समझ में आते छोड़ देते हैं जमात। ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन कहना यह है कि इन लोगों ने इन जमातों की मुखालफत नहीं की,
और उनकी कोई दुश्मनी के पहलू से अहले हदीस ने कोई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया। वो हमेशा की तरफ दावत देते हैं, हक का जिक्र करते हैं, हक बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस में आया क्या है वो बयान कर देते हैं, ये उनका काम होता है। इसलिए